गणेश चतुर्थी पर शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी नजर आई। मोती डूंगरी और ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित नहर के गणेश जी सहित अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए शुक्रवार देर रात से ही भक्तों की लाइन लग गई। पदयात्रियों का जत्था भी पहुंचा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। मंदिरों को आकर्षक लाइटों से और फूलों से सजाया गया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन के लिए शुक्रवार देर रात से ही 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग गई। देर रात ही आसपास के गांवों से पदयात्रियों का जत्था भी मंदिर पहुंचा। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी भगवान गणेश के दर्शन कर प्रदेश के लिए मंगल कामनाएं की। इस दौरान मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया। वहीं मेले की समाप्ति तक त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर जेडीए सर्कल के बीच आरबीआई तिराय से गणेश मंदिर के बीच तख्तेशाही रोड धर्म सिंह सर्कल से गणेश मंदिर की तरफ आवागमन बंद किया गया। इसके अलावा कई रूट और ट्रैफिक भी डाइवर्ट किए गए। मंदिर परिसर में अलग अलग आरतियां कर भगवान गणेश को रिझाया गया। आपको बता दें कि 8 सितंबर को भगवान श्री गणेश शहर भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान मोती डूंगरी गणेश मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शाम को मोती डूंगरी मंदिर से निकलकर एमडी रोड, जोरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगोरी बाजार, नारगढ़ रोड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचेगी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की सबसे पुरानी मान्यता है कि राजस्थान में कहीं भी शादी हो, लोग सबसे पहले निमंत्रण भगवान गणेश को देने यहां आते हैं। इस निमंत्रण को लेकर मान्यता यह है कि निमंत्रण पर गणेश उनके घर जाते हैं और शादी विवाह के सभी कार्यों को शुभता से पूर्ण करवाते हैं और किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करने से पहले भी भगवान गणेश जी को ही पहला निमंत्रण दिया जाता है। साथ ही यहाँ एक विशेष परंपरा भी है जो कि उन लोगों के लिए है जिनकी शादियाँ होने में समय लग रहा है या नहीं हो रही है, तो यहाँ एक विशेष शादी का धागा बांधा जाता है। उसके बाद जल्दी ही लोगों की शादी हो जाती है। इस मंदिर में वाहन पूजा करने की भी एक अनोखी परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है।